Hello dear friends, welcome to my channel Agriculture Sciences with Alok Divedi. So today I'll discuss on a topic seed certification and seed processing. आज हम discuss करेंगे seed certification and seed processing के बारे में कि कैसे हम किसी भी seed को certify कर सकते हैं और कैसे seed की processing की जाती है. तो चलिए detail शुरू करते हैं अपना video tutorial अपना session शुरू करते हैं भाई हम. तो what is seed? तो सबसे पहले हम जानेंगे seed क्या है. तो seed material एक ऐसा material है जिसकी help से आप एक किसी भी plant को या किसी भी seedling को एक आप क्या कर सकते हो एक ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हो एक उसको आप एक नया सीडलिंग या नया प्लांट को आप जिससे रीजनरेशन की स्टेज को अगर आप ला सकते हो तो वो किसके हेल्प से है वो सीड की वजह से है. तो अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में या इसमें बात करें बोटैनिकल टर्म में तो सीड इज दैट मटेरियल विच इज वॉट विच इज मेच्योरेबल विच इज राइपेंड और मेच्योरेबल इंटैक्टेड विद इन द एम्ब्रियो एंड कवर्ड विद सीड कोट दैट इज कॉल्ड सीड and which also stores food in it जो food को भी store करता है अपने अंदर और जो seed coat से क्या है covered है but है क्या वो चीज़ that is a ripened ovule that is a matured ovule उसे हम कहते हैं seed that is known as seed. seed देखिए कुछ भी हो सकता है healthy seedlings कुछ भी हो सकते हैं जैसे tuber हो सकता है bulbs हो सकता है rhizomes हो सकता है roots हो सकती हैं cuttings हो सकती हैं जो आप rows वगैरह में use करते हो they are also termed as seeds. बेसिकली जो सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको कहूँ कि सीड्स क्या हैं तो सीड्स एक ऐसा मटेरियल जो प्रोपोगेटिंग मटेरियल की तरह यूज़ हो उन्हें हम सीड कहते हैं. देर आई होप अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज सीड. सीड क्या है अब आप समझ गए हैं. अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है व्हाट इज सीड सर्टिफिकेशन. ये जानना बहुत ज़रूरी था कि सीड क्या है सीड सर्टिफिकेशन के पहले जानने से. तो आई होप अब आप समझ गए हैं. चलिए अब शुरू करते हैं सीड सर्टिफिकेशन क्या है आखिर. तो सीड सर्टिफिकेशन क्या है ये एक लीगल सिस्टम है जहाँ पर क्वालिटी ऑफ सीड्स को हम मेंटेन करने की बात करते हैं और उसके क्वालिटी ऑफ सीड्स को मेंटेन तो करते ही करते हैं उसके साथ साथ हम उसके मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्शन की भी बात करते हैं कि उसका प्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन हम किस लेवल तक या किस किस मेजर्स के हेल्प से हम कर सकते हैं एज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर बेनिफिट टू द फार्मर्स. सीड सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज होती हैं ये क्वालिटी एश्योर करती हैं आपके सीड के लिए. इनका काम होता है कि इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में जितना ज़्यादा मार्केट में ये सीड को क्वालिटी ऑफ सीड्स प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा फार्मर्स हमारे हैप्पी होंगे उतना ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा. कह सकते हो जितने भी आप जो सुसाइड कर रहे हैं फार्मर्स ये सारे आप कह सकते हो कि एक कहीं ना कहीं एक रीज़न है कि क्वालिटी ऑफ सीड्स का उनको ना मिल पाना. अगर क्वालिटी ऑफ सीड्स मिलेंगी तो जाहिर सी बात है एक क्वालिटी ऑफ उनको यील्ड भी मिलेगा अपने फार्म फील्ड से. अगर क्वालिटी ऑफ सीड्स है तो आपको फर्टिलाइज़र इनकॉर्पोरेशन भी कम करना पड़ेगा. ऑर्गेनिक मैन्योर की हेल्प से ही काफ़ी अच्छी यील्ड को आप ऑब्टेन कर सकते हैं. तो हमारे फार्मर्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो क्वालिटी ऑफ सीड्स को ही शो करें अपने फील्ड पर जिससे कि उनको एक बेटर एंड ऑप्टिमम यील्ड मिल सके और बेनिफिशियल यील्ड उनको ऑब्टेन हो सके. तो सर्टिफिकेशन जो प्रोसेस होता है ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लेबलिंग और टैगिंग का काम करते हैं या एजेंसीज जो होती हैं वो लेबल करती हैं उन सीड क्वालिटी को टेस्ट करती हैं प्री एंड पोस्ट क्वालिटी चेक होता है उन सीड्स का उसके बाद हम उन सीड्स को सर्टिफाई करते हैं. काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हैं इनको सीड सर्टिफिकेशंस के तो एक एक करके हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम जानते हैं सीड सर्टिफिकेशन के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं. तो सीड सर्टिफिकेशन के ऑब्जेक्ट होते हैं कि जेनेटिकल आइडेंटिटी को इंश्योर करना फिजिकल प्योरिटी को इंश्योर करना जर्मिनेबिलिटी परसेंटेज को इंश्योर करना और ऐसे सीड्स को जो डिसीजेज फ्री फ्रॉम डिसीजेज हों जिनमें सीड बॉर्न डिसीजेज या किसी भी नॉक्सियस वीड्स का कंटेमिनेशन ना हो तो ऐसे सीड्स को इंश्योर करना और उनकी क्वालिटी को इंश्योर करना जिससे कि कंज्यूमर को एक जो है क्वालिटी ऑफ सीड्स प्रोवाइड हो सके. ये सारे फाइव फैक्टर्स या फाइव ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी अपने नज़र पर रखती है या जो उनका मोटो होता है उसको लेकर ये चलते हैं कि सीड्स हमें इस तरीके के फॉर्म करना है जो कि फार्मर्स के लिए इन सब मेजर्स को लेकर चलें. हम बात करते हैं कि आखिर अब सीड सर्टिफिकेशन का पर्पस क्या है ये क्यों सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज क्यों बनाई गई या ऐसा ये सर्टिफिकेशन एजेंसीज का इस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज का इस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ. तो ये इस्टेब्लिशमेंट इसलिए हुआ कि आपको एक जेन्यून और सीड एक जेन्यून सीड और एक क्वालिटी ऑफ सीड एक परचेजर को प्रोवाइड कर सके. कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि फार्मर्स को एक जेन्यून और क्वालिटी ऑफ सीड प्रोवाइड कर सके. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को जो है
एनहेंस करने के लिए और ज़्यादा इस पर फोकस करने के लिए SSCS का एस्टेब्लिशमेंट हुआ कि फार्मर्स को एक क्वालिटी ऑफ सीड्स का प्रोवाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज टू कोप अप विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो और एक सुपीरियर वैरायटी ऑफ सीड्स का मेंटेन करना एक कल्टीवार का नए कल्टीवार का फॉर्मेशन के लिए, उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए, उनके नई वैरायटी के कंटिन्यूएशन के लिए और उनका आइडेंटिफिकेशन, जो भी नई वैरायटीज आ रही हैं या जो वाइल्ड वैरायटी हैं उनका एक नया कल्टीवार बना देना, जो आपकी इंट्रोड्यूस वैरायटीज हैं उनके साथ, तो इन सब चीज़ों को जो है करने के लिए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल ईल्ड पर फोकस कर पाएँ या ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल ईल्ड हम ऑब्टेन कर पाएँ, इन सब चीज़ों को कोप अप करने के लिए हमें सीड सर्टिफिकेशन के पर्पस या पर्पस ऑफ सीड सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। ये सब इनके पर्पस होते हैं SSCS के। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ क्वालिटी मटेरियल, एक क्वालिटी मटेरियल की कांस्टेंट सप्लाई के लिए सप्लाई करना इनका पर्पस होता है सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज का, बाय कीपिंग द केयरफुल मेंटेनेंस ऑफ देयर सीड्स। हम बात करेंगे, अब हमने बात कर लिया इनके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, पर्पस क्या है, अब हम बात करेंगे सर्टिफिकेशन एजेंसीज के बारे में। आखिर सर्टिफिकेशन एजेंसीज का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, किसके अंडर होता है और क्या क्या इनके रूल्स हैं, सारे हम जानेंगे अब इस स्लाइड में। तो इन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 1968 के तहत ये कहा गया है कि जो आपकी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज होंगी ये इस्टेब्लिश होंगी एंड रजिस्टर्ड होंगी अंडर द सोसाइटीज एक्ट 1886 एट स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल जो सोसाइटी एक्ट है 1886 का, उसके अंदर आपकी सेक्शन 8 ऑफ सीड एक्ट 1968 के अंदर आपकी SSCS जो है इस्टेब्लिश होंगे। किस लेवल पर? स्टेट लेवल पर होंगे। अगर नेशनल लेवल की बात करें तो आपके सीड एक्ट सेक्शन 8A के तहत 1972 में नेशनल लेवल पर सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया गया था। SSCS का एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया में एज पर सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 ऑफ सीड एक्ट के तहत होता है। सेक्शन 9 रेफर करता है या एस ये डिनोट करता है कि आपको सीड को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, उनको इशू किया जाएगा सर्टिफिकेट अगर वो सारे जो मेजर्स हैं, सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देना है। सेक्शन 10 रेफर करता है कि अगर आपके आपने कोई भी पैरामीटर जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं अगर उनको किसी भी तरीके से आपने फुलफिल नहीं किया तो वो आपके सर्टिफिकेट को रिवोक भी कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि ध्यान रखना चाहिए हर एक फार्मर्स को या रिसर्चर को कि अगर वो उनके पैरामीटर्स को फिल नहीं करते हैं तो आपके सीड सर्टिफिकेशन, आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप उनके पैरामीटर्स को लेकर ही साथ चलें। सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज को ये ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ रेगुलेटिंग द सीड क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द सीड रूल 6। ये साफ तौर पर बताया गया है सर्टिफिकेशन एजेंसीज के थ्रू कि अगर आप उनके सीड रूल 6 पार्ट 4 को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके सर्टिफिकेशन में वो कोई भी रोल प्ले नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर मैं कहूँ सिंपल सेंस में कि आपको सर्टिफाई नहीं कर सकते हैं, आपके सीड को सर्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेशन एजेंसीज के कुछ मेजर्स पैरामीटर्स हैं जो कि फुलफिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने सीड को सर्टिफाई करने के लिए। सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? हु आर द सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूसर्स? तो सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूसर्स मीन्स एक ऐसा पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रो करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है एक क्वालिटी ऑफ सीड या सर्टिफाइड सीड को अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्टिफिकेशन, जो सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स को साथ में लेकर किसी क्वालिटी ऑफ सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है मार्केट में इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर्स ऑफ सर्टिफिकेशन एजेंसीज, उन्हें हम कहते हैं सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूसर। अब हम बात करेंगे सीड प्रोड्यूसर के बारे में, बात कर ली हमने कि सीड सर्टिफाइड प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनके पैरामीटर्स की बात हो गई है, उनके सेक्शन किस सेक्शन के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए सर्टिफिकेशन किसी भी क्रॉप वैरायटी के लिए, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो अब हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपको किसी भी सीड को सर्टिफाई करना है तो आप वो सीड कहीं ना कहीं उस सीड का नाम या वो सीड मेंशन होने चाहिए अंडर द सेक्शन 5 ऑफ सीड एक्ट 1966। अगर 1966 सीड एक्ट के प्रावधान में अगर सीड एक्ट्स का कहीं उन सीरियल्स का मेंशन है, अगर वो मेंशन है तो तभी वो आप जो है उनको सर्टिफाई कर सकते हैं। एनी वैरायटी, कोई भी वैरायटी जो कि एलिजिबल होगी सीड सर्टिफिकेशन के लिए, उनको कुछ
रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं SSCS के, उनको फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जनरल रिक्वायरमेंट उनकी ये है कि जितनी भी जो भी सीट आप कराना चाहते हैं सर्टिफाई, वो सबसे पहले कि सेक्शन 5 में मेंशन होना बहुत ही ज़रूरी है सीट एक्ट 1966 के अंदर। उसके प्रोडक्शन चेन का वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन चेन मेंशन होना चाहिए उसका। उसकी पेडिग्री, जो सीट आप जिसको सर्टिफाई कराना चाहते हैं उसकी पेडिग्री भी काफ़ी ट्रेसेबल होनी चाहिए। उसकी पेडिग्री अगर ट्रेसेबल है तो आप उसको इजीली सर्टिफाई करवा सकते हैं। फील्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं कि सर्टिफाइड एजेंसीज के कुछ फील्ड स्टैंडर्ड्स हैं कि आप किस साइट पर आप अपना कल्टीवेशन करेंगे, उन क्या आइसोलेशन रखेंगे ऑफ, उनका स्पेसिंग क्या होगा, प्लांटिंग रेशियो क्या होगा, आपका बॉर्डर एंड रोज क्या होंगे, क्या पैटर्न होगा उनका। तो ये सब चीज़ों का आपको फुलफिल करना होता है उनके एप्लीकेशन फॉर्म में, या उन्हें इलैबोरेट करना होता है ये सब चीज़ें। उनकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती हैं कि जो आपका सीड होगा वो फ्री फ्रॉम ऑल द ऑफ टाइप्स ऑफ प्लांट, वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए किसी भी ऑफ टाइप्स के प्लांट के। ऑफ टाइप प्लांट क्या होते हैं? ऑफ टाइप प्लांट वो होते हैं जो आपके प्लांट को, जो आपका मेन क्रॉप है उसके छोड़कर जो अलग से जो प्लांट आपके फील्ड में है जो एक कंपटीशन प्रोवाइड कर देते हैं, उन्हें हम ऑफ टाइप प्लांट कहते हैं। जैसे कि सॉर्गम, बाजरा, सनफ्लावर आपको गेहूं के खेत में, वीट के फील्ड क्रॉप में, आपने व्हील फील्ड में आपने देखा होगा, राइस फील्ड में देखा होगा, तो एक ढैचा वगैरह ये आप मान सकते हो, जो भी सॉर्गम वगैरह आपने बेसिकली देखा जाता है, तो ये सब चीज़ें ऑफ टाइप होती है, ऑफ टाइप प्लांट्स में इनको कंसिडर किया जाता है। तो इनको एक परमिशेबल लेवल तक ही कंसिडर किया जाता है, अदरवाइज अगर ये परमिशेबल लेवल को क्रॉस करते हैं या बियॉन्ड द परमिशेबल लेवल हैं तो क्या होता है, आपके सर्टिफिकेशन एजेंसीज में अगेन वो एक प्रॉब्लम जो है खड़ी हो जाती है, उसको फिर से विड्रॉ कर सकते हैं वो सर्टिफाई करने से। तो सीड स्टैंडर्ड्स होते हैं कि मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए, हर क्रॉप का अलग अलग सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है, तो उन सबको वो फुलफिल करते रहना चाहिए, तभी आपके सीड सर्टिफिकेशन को, सीड को सर्टिफाई किया जाएगा। तो ये थे कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कि आपके सीड के ये सब एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए, या आपके पास इतना फील्ड होना चाहिए, क्या पैटर्न है, एक तरीके से आपका प्रेजेंटेशन, आपको फुल प्रेजेंटेशन देना है कि आप उसको कैसे कल्टिवेट करोगे, क्या आपके प्रोग्राम्स होंगे, कैसे आप उन्हें कोप अप करोगे, अगर कोई भी डिसीजेज या कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं तो कैसे, तो सारा आपको प्रेजेंटेशन वहाँ पर डिस्कस करना होता है। फेजेस ऑफ सीड सर्टिफिकेशन, अभी हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी के बारे में, अब हम बात करेंगे सीड आप सर्टिफाई कैसे करवाओगे, उनके फेजेस क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं उनके, अब हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप क्या करते हो, एक स्क्रूटनी या एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हो, जहां आप एक एग्रीमेंट को अलाउ करते हो, एग्रीमेंट को आप क्या करते हो, साइन करते हो, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ सीड के बारे में मेंशन किया गया होता है। फिर आपको वो सीड सोर्स को वेरीफाई करते हैं कि वेदर द सीड सोर्स इज पेडिग्री ट्रेसेबल और नॉट, वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट फॉर द सीड सर्टिफिकेशन, तो वो चेक करते हैं क्या ये सीड आपका एलिजिबल है या नहीं है, सीड सोर्स को पूरा वेरीफाई करते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक एस्पेक्ट से वो। उसके बाद वो थर्ड स्टेप पे जाते हैं जहां आपके वो फील्ड इंस्पेक्शन को के लिए जाते हैं, जहां आप की फील्ड के सारे फील्ड स्टैंडर्ड्स को वो ध्यान में रखते हुए उनको देखते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं फील्ड को कि क्या वहाँ पर वाटर जो वाटर सोर्सेज हैं, क्या वहाँ पर वाटर सोर्सेज हैं, या वहाँ पर सॉइल की आपके न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है, जितने भी पैरामीटर्स हैं सॉइल को लेकर फील्ड स्टैंडर्ड्स को लेकर, वो सारे उनको मेजर्स करते हैं। अगर वो सारे फुलफिल हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे आपको प्रोसीड करते हैं वो पोस्ट हार्वेस्ट। उसके बाद वो एक बार जब आपकी क्रॉप स्टैंडस्टिल या ग्रोथ पे मैच्योरिटी से आती है, एक बार फिर वो इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या उस समय उसमें कोई डिसीजेज या पैथोजेनिक अटैक हो रहा है, क्या उनके ओन्स या ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद फिर वो हार्वेस्टिंग टाइम पर आते हैं और देखते हैं कि उसके बाद ग्रेन क्वालिटी क्या है आपके सीड की, कि आपके सीड ने कितना अच्छा ग्रेन क्वालिटी प्रोड्यूस किया है। उसको सुपरवाइज करने के बाद उसको कलेक्ट करते हैं, वो कलेक्ट कर फिर वो उसको एक लैब में भेज देते हैं, अपनी SSCS लैब में भेजते हैं जहाँ पर उनके सैम्पलिंग होती है, उनकी जेनेटिक, बेसिकली वो जेनेटिक प्योरिटी की वहाँ सैम्पलिंग करते हैं कि आपकी जेनेटिक प्योरिटी ऑफ सीड क्या है। अगर जेनेटिक प्योरिटी ऑफ सीड आपकी 98% है, 95% है, 99% है, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, इनको अभी हम मैं आपको बताता हूँ कि किस सीड की कितनी कितनी जेनेटिक प्योरिटी होती है। तो ग्रांट, अब उसके जगह अगर आपकी जेनेटिक प्योरिटी प्रूव हो गई है, सेटिस्फाई फुलफिल कर दी गई है, तो आपको एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है आपके पर्टिकुलर सीड के लिए।
बात करते हैं अब सीड प्रोसेसिंग के बारे में। यहाँ तक हो गया सीड सर्टिफिकेशन, अब आपका प्रोसेस खत्म हो गया, यहाँ तक आपका सीड सर्टिफाई हो चुका है। अब इसके बाद क्या होता है, सीड प्रोसेसिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सीड प्रोसेसिंग में क्या होता है कि सीड प्रोसेसिंग में बेसिकली क्लीनिंग, ड्राइंग, ट्रीटिंग, ग्रेडिंग अकॉर्डिंग टू द शेप, साइज, कलर, ये एंड अदर ऑपरेशन विच कैन इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ सीड्स। तो ऐसे ऑपरेशंस जो कि क्वालिटी ऑफ सीड्स को मेंटेन कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, तो इन ऐसे एक्टिविटीज़ को हम सीड प्रोसेसिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। और हमारा मेन एम होता है सीड प्रोसेसिंग में कि हमारे सीड में किसी भी प्रकार का कंटेमिनेशन ना हो, जैसे कि एग्जाम्पल लीव्स, ट्विग्स, चैफ, वीड सीड, इन सब चीज़ों, सॉइल पार्टिकल्स, इन सब चीज़ों को सीड प्रोसेसिंग के दौरान हम रिमूव कर देते हैं और एक प्योर सीड, क्लीन सीड को हम एक कंटेनर में इकट्ठा स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि वो एक बेनिफिशियल प्राइस फार्मर्स को प्रोवाइड कर सके। सर्टिफिकेशन एजेंसीज जो होती हैं वो हमेशा साइज, ग्रेन ऑफ साइज के रिडक्शन में हमेशा वो उनको रिकॉर्ड करती हैं कि इस बार कितना ग्रेन साइज था, पिछली बार कितना था। तो एवरी ईयर दे जस्ट रिकॉर्ड द ग्रेन साइज एंड द अमाउंट ऑफ ईल्ड प्रोड्यूस्ड बाई द पर्टिकुलर लैंड एरिया। तो वो सारे सब चीज़ें रिकॉर्ड करती हैं सर्टिफिकेशन एजेंसीज, उसके अकॉर्डिंग वो अपना आगे स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो प्रोसेस सीड जो है, जो सीड होना चाहिए वो कहा गया है कि 5% बाई वेट ऑफ सीड से कम उसका साइज नहीं होना चाहिए। ये एक अच्छा कह सकते हो पैरामीटर है, आप याद कर सकते हो कि जो सीड का साइज है वो 5% बाई देयर वेट से कम नहीं होना चाहिए, दैट इज लोअर बॉटम। चलिए अब मैं आपको बता रहा था कि जेनेटिक प्योरिटी के स्टैंडर्ड क्या है सीड के। तो फाउंडेशन सीड की जेनेटिक प्योरिटी होती है 99%, सर्टिफाइड सीड की होती है 98% एंड हाइब्रिड सीड की होती है 95%। तो हाइब्रिड सीड की जेनेटिक प्योरिटी क्या है, काफ़ी कम, 95% सबसे कम होती है, सर्टिफाइड सीड की 98% एंड फाउंडेशन सीड की सबसे ज़्यादा। और आपने सुना होगा ब्रीडर सीड की 100% जेनेटिक प्योरिटी होती है। तो ये हो गया जेनेटिक प्योरिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे वैलिडिटी फॉर द सर्टिफिकेशन, आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या हो, कितने दिनों तक होगी, ये होती है 9 months के लिए। जो आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होगी, जो SSCS आपको वैलिडिटी प्रोवाइड करेंगे सर्टिफिकेशन की, वो 9 months के लिए प्रोवाइड करेंगे। अगर आप चाहते हो कि उसके बाद भी आपकी वैलिडिटी रहे तो आपको रीटेस्टिंग के लिए दोबारा भेजा जाता है एजेंसीज़ में, उनको एजेंसी दोबारा रीटेस्ट करती हैं। अगर वो सारे पैरामीटर्स जो मैंने आपको पीछे डिस्कस किए फुलफिल करती है तो आपको दोबारा वैलिडिटी को इनक्रीज़ कर दिया जाता है। तो अगर ऐसी तरीके से आप सीड लॉट वगैरह वो टेस्ट करते हैं, सैंपल करते हैं, अगर वो सारे मेजर्स को फुलफिल करता है तो सीड आपका दोबारा वैलिडिटी उसकी इंक्रीज की जा सकती है। तो ये प्रोसेस था वैलिडिटी पीरियड फॉर द सर्टिफिकेशन इंक्रीमेंट। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो फ्रेंड्स एज टू गेट मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट द एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।